हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP इंग्लिश मंत्रा में। गाइज, कभी कभी हमें अपने डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे बीती बातों पर मत पछताओ, क्या तुम बीती बातों पर पछताते हो, मैं बीती बातों पर नहीं पछताने वाला। तो जब कभी बोलने होते हैं आपको ये सेंटेंसेस जहाँ पर कहा जाए बीती बातों पर पछताना, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका हिंदी मीनिंग है बीती बातों पर पछताना। तो आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद लिखेंगे क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। गाइस, यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, और यहाँ पर जो क्राई है वो हमारा एज अ मेन वर्ब यूज किया जाएगा। इसके फॉर्म भी सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। कभी ये क्राई हो जाएगा तो कभी क्राइड हो जाएगा, कभी क्राइंग हो जाएगा तो कभी क्राइज हो जाएगा। जैसा टेंस रहेगा, जैसा सेंटेंस रहेगा, वैसा हम वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज, वह बीती बातों पर नहीं पछताना चाहता। ही डज नॉट वॉन्ट टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ही डज नॉट वॉन्ट टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज, बीती बातों पर पछताने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैं बीती बातों पर नहीं पछताने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। I am not going to cry over spilt milk. Now the next one is, तुम बीती बातों पर क्यों पछता रहे हो? Why are you crying over spilt milk? Why are you crying over spilt milk? Now the next one is, बीती बातों पर मत पछताओ। Don't cry over spilt milk. Don't cry over spilt milk. Now the next one is, क्या वह बीती बातों पर पछता रही थी? Was she crying over spilt milk? Was she crying over स्पिल्ट मिल्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज, क्या तुम बीती बातों पर पछताते हो? डू यू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क? डू यू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नाउ द लास्ट वन इज, प्रथम कभी बीती बातों पर नहीं पछताता। प्रथम नेवर क्राइज ओवर स्पिल्ट मिल्क। प्रथम नेवर क्राइज ओवर स्पिल्ट मिल्क। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, वह हमेशा बीती बातों पर पछताता है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस इंग्लिश क्या होगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।